तो दोस्तों मनीषा रानी ने जो भी एलिगेशन है या फिर यू कह लीजिए कि जो भी बातें अल्पेश यादव को लेकर कही हैं, उसके बाद इस समय सोशल मीडिया पर मनीषा रानी को ही गलत साबित किया जा रहा है, मनीषा रानी को ही गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। और जितने भी फैंस हैं अल्पेश यादव के या फिर यू कह लीजिए कि जो भी अल्पेश आर्मी है, उन सभी लोगों ने इस समय मनीषा रानी के खिलाफ ही कुछ बातें जो हैं वो शुरू कर दी हैं। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूस, मेरा नाम गणेश कांदू है और स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का। दोस्तों अल्पेश यादव ये एक अभी हाल फिलहाल एक पॉडकास्ट में आते हैं और उस पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा जाता है कि मनीषा रानी जो है उन्होंने आपको अनफॉलो कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है, जिसके बाद अल्पेश कहते हैं कि ये फॉलो करना अनफॉलो करना मुझे बहुत बचपना जैसा लगता है। जिसके बाद मनीषा रानी एक फुल फ्लेज ब्लॉग में ये सारी चीज़ें समझाती हैं कि कैसे उनका इस्तेमाल हुआ और कैसे उनके साथ कोलैब किया गया, उनको टैग किया गया, बट कवर पेज पे अल्पेश और अक्षय कुमार की फ़ोटो लगी। इन सभी चीज़ों के बीच में मनीषा ने चलिए अपना पक्ष तो रख दिया, लेकिन मनीषा शायद ये बात बहुत कम जानती थी कि भाई अल्पेश आर्मी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। इस समय जितने भी अल्पेश यादव और अल्पेश आर्मी के फैंस हैं वो अल्पेश यादव की कही हुई बात दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अल्पेश भाई आपने सच ही बोला था, बच्ची है ये मनीषा। देखिए अगर आप किसी के साथ कोलैब कर रहे हो, अगर आप उसका कवर पेज पे फोटो ही नहीं लगाना चाहते हो तो कोलैब क्यों कर रहे हो? ये बहुत जाहिर सा सवाल है जो जनता पूछ रही है इस समय। लेकिन अल्पेश आर्मी इस मुद्दे को पूरा घुमा के उसी वे में ले जा रही है कि भाई मनीषा को अब अल्पेश से फेम चाहिए, इसीलिए अब जाकर इसने फुल फ्लेज ब्लॉग डालकर ये सारी बातें कही और बताया कि अल्पेश एंड हो चुका है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, इस एलिगेशंस पर आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।